क्या रे पागल हो गया तुम? नहीं बोल रहे तो फुटानी चढ़ गया है, गुंडा बनेंगे गुंडा बनेंगे। तुम्हारे चक्कर में हमको इतना टेंशन हो गया है, ऊपर से बाहर आके चिल्लाता है। अरे आप चुप रहिए, एक तो काला कद्दू अभी तक आया नहीं, उसको बोले थे पीनट बटर लेके आने के लिए, कहाँ गया वो? ऊपर से बकवास कर रहे हैं, बाहर खड़ा होकर उस टकला से झगड़ा कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप हमको ऐसे हरका के बोलिएगा तो हम गुंडा बनना छोड़ देंगे, हम बहुत बड़ा गुंडा बनेंगे बता दिए। आप तो हम इंटरनेट पे सर्च भी करके आए गुंडा कैसे बने, आप बोले थे ना सर्च करो, हम सर्च किए वहाँ पे लिख के आया डॉन कैसे बने। हम तो बोल रहे थे ना हम गुंडा बनेंगे, हम गुंडा के साथ अब डॉन भी बनेंगे। अरे चुप रहो तुम, कभी बोलता गुंडा बनेंगे कभी बोलता डॉन बनेंगे, शरीर में ताकत है नहीं दिमाग में बुद्धि है नहीं, जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है। भगवान जबान दी है मुंह में तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आएगा वो बोलेंगे। एक बार गुंडा से मार खाए हो समझ में नहीं आया है? अरे गुंडा से मार खाने के बाद तो और समझ में आ गया है कि हम लोग का कुछ औकात नहीं है, अगर इस धरती पे रहना है तो पावरफुल बनना होगा। आई हेट मनी, आई लव पावर, बिकॉज यू डैड एंड काला कद्दू इज कावर्ड। अरे चुपचाप चलो, ये जो फिल्म देख के हीरो बनने का सोचते हो ना, उतना दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर और ना ही उतना शक्ति है कि सौ आदमी से लड़ सकते हो। अरे वही शक्ति तो हमको बनाना है, आप देखिएगा ना कैसे शक्ति बनेगा, अंडा खाएंगे 40 अंडा, आप तो नहीं ना दिलाए, देखिएगा हम कैसे लूट के लाएंगे अंडा मार्केट से, फिर खाएंगे वो भी देसी अंडा खाएंगे, मुर्गी से लेंगे मुर्गी से। और आपका जितना भी जान पहचान वाला आदमी सब है ना, सबका नंबर हमको दे दीजिएगा, समझे? अरे तुमको मेरा दोस्त लोग का नंबर कहे चाहिए? अरे हम नेट पे सर्च किए, लिखा अगर डॉन बनना है या गुंडा बनना है तो सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे सबको ऐड करेंगे। अरे उससे क्या होगा? अरे उससे कोई भी त्यौहार आएगा तो सामने वाला हमको विश कर पाएगा ना, क्योंकि हम उस ग्रुप का लीडर रहेंगे, एडमिन रहेंगे। अरे तो उससे गुंडा तुम कैसे बनेगा? अरे वो हमको नहीं पता, वेबसाइट पे लिखा था कि पहला प्रोसेस यही होता है, हम यही करेंगे। उसके बाद अभी हमको बॉक्सिंग बैग भी लेना है जिसपे हम मुक्का मारेंगे और अपना मुक्का मजबूत करेंगे, हम अपना मुक्का को हथौड़ा बनाना चाहते हैं। अरे यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है, खुद तो पागल हो दूसरे को भी पागल कर दोगे। तुमको जो करना करो जाके, दिमाग मत खाओ हमारा, काला कद्दू आएगा अपने लेके तुम्हारा पीनट बटर, तो लेके खा लेना। हाँ ठीक है खा लेंगे, आप क्या सोचते हैं वो लाएगा तो हम नहीं खाएंगे, एक डब्बा एक दिन में खाएंगे। हाँ खा लेना जा, एक तो तुम पागल है ऊपर से वो टकला साला दिमाग खराब करता है। अरे वो टकला भी नहीं बचेगा, जिस दिन हम गुंडा बन गए ना उस टकला को भी नहीं छोड़ेंगे। अब एक काम कीजिए, हमको 10,000 रुपया दीजिए। अरे 10,000 रुपया तुमको क्यों चाहिए? तुमको बोले ना जो भी पैसा चाहिए अपने जमा करो अपने खर्च करो। अरे अभी मेरे पास नहीं, हम आपको बाद में लौटा देंगे, लोन मांग रहे हैं, हमको बॉक्सिंग बैग खरीदना है, बोले ना। अरे हम 1 रुपया भी लोन नहीं देंगे, अपना दोस्त सब है ना, दोस्त को फोन करो और लोन मांगो। अरे आप क्या सोचते हैं, हम अपना दोस्त को फोन करेंगे हमारा दोस्त पैसा नहीं देगा? उसके पास पैसा नहीं भी होगा ना तो अपना बाप का पैसा चुरा के देगा, हमारा ऐसा दोस्ती है, अब तो अपना दोस्त ही लोन लेंगे। हेलो आयुष बोल रहा है ना? हाँ सुनो ना आयुष, हमको 10,000 रुपया चाहिए था, अर्जेंट है, दे पाओगे? क्या बोले, तुम्हारे घर आ जाए तुम्हारा पापा देगा? ठीक है हम आते हैं, बोलना ना ब्याज कम लेंगे हमसे, बाकी लोग से तो लेते हैं हमसे कम लेंगे। हाँ ठीक है आ रहे हम। अरे तुम कार्टून हो या कार्टून जा, तो झूठ बोलेगा तो मार खाएगा, लगा अपना भाई को फोन, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो कौन बोल रहा है जी? रे पागल साला, हम बोल रहे हैं काला कद्दू। अरे यार पागल तुम है, तुमको तब से बोले पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड लेके आओ, कहाँ पे मर गए तुम है? इतना देर लगता है, कसरत करके बैठे हुए है, हमको प्रोटीन कैसे लगेगा देह में? हमको गुंडा बनना है, तुम चाहते ही नहीं है कि हम गुंडा बने, नहीं बनेंगे तो हम जमीन कैसे लेंगे? जल्दी लेके आओ, हमको अंडा भी लेना है 40। अरे चुप रहो तुम, पहले मेरा बात सुना। अरे कोई बात नहीं सुनना हमको तुम्हारा, ऐसे ही इतना लेट कर दिया है, जल्दी से मेरा ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर लेके आओ, तभी कोई बात होगा, घर पे आके बात करना, समय नहीं है, हमको गुंडा बनने का तैयारी करना है, रखो फोन। अरे ये साला पागल तो फोन ही रख दिया। 1 महीने में पैसा लौटा देना, वैसे तुमने पैसे किस लिए लिए हैं? अरे ऐसा है अंकल जी, पैसा तो हम गुंडा बनने के लिए ले रहे हैं, और रही बात आपके पैसा लौटाने की, तो वो 1 महीना में नहीं परसों आपका पैसा लौटा देंगे, बस नाम हमारा याद रखिएगा, गोरा कद्दू गुंडा प्लस डॉन। अब हमको 10,000 रुपया मिल चुका है, एक काम करते हैं बॉक्सिंग बैग ले लेते हैं, मुक्का मार के अपना हाथ मजबूत कर लेंगे। लेकिन एक मिनट, अगर हम मुक्का मार के हाथ मजबूत कर लेंगे तो उससे हम इनका पैसा कैसे लौटाएंगे? और जब हम गुंडा से लड़ने जाएंगे वो अगर हमको गोली मार दिया तो मेरा हाथ हमको बचा थोड़ी ना पाएगा, हमको इस 10,000 रुपया का ना सही जगह उपयोग करना पड़ेगा, अगर हमको कद्दूपुर का बहुत बड़ा गुंडा बनना है तो। एक काम करते हैं, हम सस्ता कट्टा खरीद लेते हैं, फिर हम छोटा मोटा गुंडा तो बन ही जाएंगे, कट्टा वाला गुंडा। अंकल वैसे आपको पता है ये कट्टा वगैरह कहाँ मिलता है बिना लाइसेंस वाला? अरे ये सब हमको नहीं पता है। अरे अब हमको ही पता लगाना पड़ेगा,
ये कट्टा कहाँ से मिलेगा हमको? ये लो कट्टा, लेकिन याद रखना कभी कभी गोली पीछे से भी निकल जाती है। अरे क्या बोल रहे हो, ये 2-in-1 कट्टा है, सिर पे गोली मारेंगे तो पीछे से गोली निकल जाएगा। ऐसा कट्टा तो मास्क तक नहीं देखे है। ये तो अच्छा है, अगर 2 आदमी को गोली मारना हो पीछे वाला झुक गया तो वो भी नहीं बचेगा, पहला को सिर पे लगेगा, दूसरा को नीचे से निकल के लग जाएगा। अरे पागल, हमारा कहने का ये मतलब है कि ये कट्टा से कभी कभी गोली चलाने वाले की तरफ भी निकल जाती है, तो ऐसा नहीं हो कि मारने जाओ दूसरे को और खुद ही मर के आ जाओ। अरे अगर हम मर जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे, क्या बोल रहे हो? और ये कैसा कट्टा है, दूसरे को मारेंगे पीछे से गोली निकल के हम ही को लग जाएगा, तब क्या फायदा? ये हम दूसरे को मारने के लिए ले रहे हैं, खुद के मरने के लिए थोड़ी ना ले रहे हैं। तो तुमको 5,000 में AK-47 ला के दें, 5,000 में यही मिलेगा, लेना है तो लो वरना खुलो। अरे नहीं नहीं दे दो हमको। एक काम करेंगे ना, कभी भी गोली नहीं चलाएंगे, खाली डराएंगे, और चलाएंगे भी तो हाथ साइड कर लेंगे, काहे कि ऐसा ना हो हम गोली चलाए हम ही को लग जाए। अब 5,000 रुपए से हमको कट्टा मिल गया है, बाकी 5,000 रुपया बचा है, सोचते है इसका क्या करना है हमको। अब तो हमारे पास कट्टा आ गया ना, अब सबको डराएंगे और पैसा निकलवाएंगे, फिर अंडा खरीद के खाएंगे। सबसे पहले जाते हैं अपना दोस्त के यहाँ, उसका बाप को पैसा देंगे। अरे अंकल जी, हम आए आपके पास आपका पैसा लौटाने। अरे अभी 2 घंटे पहले ही तो लेके गए थे, इतनी जल्दी पैसा कमा लिया? अरे अंकल अभी पैसा कमाए नहीं है, अभी तो कमाएंगे। अरे अभी कमाए नहीं हो तो पैसा देने कैसे आए हो? अरे अंकल अभी पैसा कमाएंगे, देखिएगा कैसे, ये देखिए ये कट्टा, एक बटन दबाएंगे ना तो आपका खोपड़ी उड़ जाएगा, चुपचाप से 1,00,000 रुपया निकालिए। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे अंकल ये बदतमीजी नहीं है, ये बिजनेस है, हम तो आपको बोले थे ना हम पैसा इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम गुंडा बनना चाहते हैं, तो पहला शुरुआत हम आपसे ही कर रहे हैं, हम भी आपका कस्टमर बने थे, ब्याज देंगे आपको, अब आप हमारा कस्टमर बन रहे हैं, 1,00,000 रुपया निकालिए नहीं तो ठग देंगे। हमरे ही पैसे से कट्टा खरीदा और हमको ही लूटने आया है। अरे अंकल आप भी मान रहे हैं ना कि हम बहुत बड़ा गुंडा बन सकते हैं, हम बहुत चालाक है, तो पैसा निकालिए। देखिए हमारे जैसा गुंडा आपको कहीं नहीं मिलेगा, हम पूरा क्रिमिनल माइंडेड है, पैसा भी आपका कट्टा भी आपका, लेकिन मरेंगे भी आप अगर पैसा नहीं दिए तो। दीजिए 1,00,000 रुपया और सुनिए 1,00,000 में से अपना 10,000 रुपया इंटरेस्ट के साथ 2 घंटा का ले लीजिएगा, समझे, बाकी पैसा हमको दीजिए, हमारा पैसा चाप के रखे है, हम बहुत ईमानदार गुंडा है पता ही आपको, हम जवान दिए थे ना आपका पैसा लौटा देंगे आपको 2 दिन में, 2 घंटा में लौटा रहे हैं, इससे ज्यादा आपको क्या जवान देंगे हम। अब मुंह क्या देख रहे हैं, दीजिए 1,00,000 रुपया देंगे कि नहीं कि चला दे कट्टा? अरे ये जल्दी बोल दे, हाँ देंगे, अगर ये नहीं दिया तो हम कट्टा कैसे चलाएंगे, कहीं गोली पीछे नहीं निकल जाए। अरे अरे रुको रुको, गोली मत चलाना, मैं ला रहा हूँ पैसा, ला रहा हूँ। हाँ ला रहा हूँ नहीं करो, चुपचाप से लेके आ, गाना गा रहा है, ला रहा हूँ। अरे गोला कद्दू तुम तो गुंडा बन गया रे, 5,000 का कट्टा से 1,00,000 रुपया कमा लिया, अब तुमको गुंडा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कद्दूपुर में जो हमसे उल्टा बात करेगा उसका मुंह में कट्टा रख देंगे, फिर गोली पीछे से निकल जाएगा। मजा आ गया रे, मजा आ गया, अब तो दबदबा बनाना पड़ेगा, और वो काला का लुटालों को दिखाएंगे कैसे अपना जमीन वापस लिया जाता है और कैसे विदेश जाके शादी किया जाता है, हम अपना भविष्य साफ साफ देख पा रहे हैं, मेरा 12 गोरा बच्चा घूम रहा होगा अलग अलग देश में। अब क्या करें गुंडा भाई? अरे तुमको जो करना वो करो, तुम्हारा भाई अगर बोलेगा कि वो ईटा चलाया था मेरे घर पे तभी हम तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा टांग हाथ सब तोड़ देंगे आज। अरे साला ये पागल घोड़ा कद्दू के चक्कर में हमको फिर से मार खाना पड़ेगा, पहले मारकर मेरा मुंह सुजा दिया है और मारेगा तो मर जाएंगे, एक काम करते पापा को फोन लगाते हैं। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो आपसे संबंध बनाना नहीं चाहता है। अरे साला ये कौन सा नेटवर्क पकड़ लिया, हम भी किसी से संबंध नहीं बनाना चाहते हैं, हम संपर्क करना चाहते हैं अपना पिताजी से संपर्क। ऐ गुंडा भाई आपके ये कैसे असली नेटवर्क पकड़ रहा है, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो आपके यहाँ लगा हुआ है? अरे यार दिमाग मत खराब करो, फिर से फोन करो, वो नेटवर्क इशू होगा। काहू कखनी दाल मखनी, दाल मखनी दाल मखनी, तड़का लगाई बो दाल खिलाई बो, झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। अरे कौन है रे पागल, ये क्या झिंगा लाला बोल रहा है, हमारा बाबूजी का फोन दो। ये है रे, की बोल रहा है, लगता है रॉन्ग नंबर है। अरे गुंडे भाई हम नहीं करेंगे किसी को फोन, तुमने गलत नेटवर्क पकड़ रहा है, कोई साला दाल मखनी बेच रहा, झिंगा लाला बोल रहा, और कोई संबंध बनाने के लिए बोलता है, हमको नहीं बनाना किसी से कोई संबंध।
अरे चुप करके रहो, फिर से ट्राई करो, लगा अपना भाई का फोन, और अगर नहीं लगा सकते हो तो बोलो, मार के हड्डी तोड़ दे तुम्हारा। लगा रे फोन, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को जानना है कि अगला एपिसोड में हम अपना भाई से बात कर पाते हैं कि नहीं, और हमारा भाई हमको बचा पाता है कि नहीं, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और घोड़ा कद्दू को भी कमेंट कीजिए कि उसका काला कद्दू भाई उससे क्या बात करना चाहता है, वो कौन सी मुसीबत में है, उसको जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए, कहे कि हम बहुत मुसीबत में है। धन्यवाद।